मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। कैसे हो बंधु यार? पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, वीडियो आने में आजकल बहुत टाइम लग रहा है। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि हर हफ्ते वीडियो निकालूं, पर मैं क्या करूँ, कॉर्पोरेट लाइफ ने मेरी ले रखी है यार। बढ़िया आराम से। चलो यार, ये दुखड़ा तो मैं तुमसे बाद में शेयर करूंगा, आज के मुद्दे पर आते हैं। तो यार, आज का जो टॉपिक है ना, वो इंटरेस्टिंग एवं खतरनाक दोनों ही है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं मम्मी पापा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप ही का बच्चा हूँ यार। इस फिल्म में जिस तरह का दिखाया गया, मैं वैसा बिल्कुल नहीं और ना वैसी हरकतें करूंगा। शक मत कीजिए। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद तुमसे तुम्हारी जायदाद का आधा हिस्सा भी छीना जा सकता है। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद, जिसे देखने के बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हारा ये हल कर सकती है। जिसे देखने के बाद तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद तुम्हें ये बोल सकते हैं, अगर औलाद ऐसी होती है, शांति नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये फिल्म ना 90s वालों के बचपन में रिलीज हुई थी, पर प्रभावशाला इसने घर वालों के दिमाग पर अब डाला है। मतलब ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे देखने के बाद ना घर वाले ये समझते हैं कि उनका लौंडा बीवी के पीछे इतना पागल हो जाएगा कि अपनी मम्मी को ये बोलता फिरेगा। रुला दिया ना बेचारी को। मतलब इस पिक्चर को देखने के बाद ना घर वालों की आंखों में ऐसे आंसू बह रहे होते हैं कि उनका अपना लौंडा ये रिएक्शन देता है। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे? बागवान अभी ने जाने और कितने गुल खिलाएगा। हाँ, बहुत गुल खिलाएगा। 10-12 लौंडे तो घर से बेघर हो चुके हैं और आधों को तो जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। मतलब पिक्चर की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा की एनिवर्सरी है और घर में पार्टी का माहौल चल रहा है, और तभी ये अंकल ये बोलते हैं, व्हाट अ वंडरफुल फैमिली यू हैव गिवन मी। भगवान की कृपा से 4-4 बेटे हैं, 4-4 अनमोल फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब माँ बाप ना यार इतने भी इमोशनल नहीं होते कि 40 साल में यही नहीं पता लगा कि इनके बच्चे इतने हरामी हैं। शक मत कीजिए। तो अब अंकल हो रहे हैं रिटायर और उनके हरामी बच्चे ये प्लान कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम का करना क्या है? पर हमारे अंकल बहुत ही बड़े स्टंट निकलते हैं और अपने हरामी बच्चों का इस तरह काट देते हैं। तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब कहाँ और किसके साथ हम आएंगे। और इसके बाद ना ऐसे ऐसे इंसल्टिंग सीन्स दिखाया गया कि उसको देखने के बाद हमारे घर वाले हमारी तरफ देख के ऐसे बिहेव करेंगे। अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे? पर इन साले बच्चों के बाद एक इनका और बच्चा भी है जो शिकारी के साथ साथ संस्कारी भी है। आप मेरे भगवान हो। ये तो साला कुछ भी नहीं, फोन पे लौंडा अलग ही लेवल पे बात चला रहा है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु माजी प्रणाम चरण स्पर्श। नहीं मतलब एक पॉइंट के लिए इमेजिन करो यार कि तुम सुबह उठ रहे हो और अपने बाप को पैरी पौना करने की जगह ये उठ के श्लोक सुना रहे हो। तमेव माता पिता तमेव, तुम्हारा बाप ना इसके बाद तुम्हें वैसे ही पागल घोषित कर देगा। नहीं मतलब नॉर्मली भी तो इज्जत दिखाई जा सकती है ना, ये साले अलग ही फैंटेसी लेवल में जी रहे हैं यार। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बस कर, इससे ज्यादा एक्टिंग तुझसे होगी भी नहीं। तो आज के लिए यार बस इतना ही, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिनके पेरेंट्स ये सोनी मैक्स पर देखते हैं बंद कर डालो, और बच्चे जिनके पेरेंट्स से देखते हो अपने माँ बाप का ये पिक्चर देखना बंद करवाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम घर के बाहर खड़े होगे और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ये जवाब देंगे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अभी वीडियो आने में हो सकता है टाइम लग जाए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, पर वीडियो आती रहेगी। यूट्यूब चैनल बंद नहीं होगा, कॉन्टेंट आता रहेगा, पर तब तक तुम सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे रोस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।